ओम शांति। 26 जून 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। प्रश्न: तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर: क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हरेक का अपना अपना पार्ट है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। हमने जो सुख देखे वह और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है वह सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वह जड़ झाड़ होता है, यह है चैतन्य। बीज भी चैतन्य है, उनकी महिमा भी गाते हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रही है। कोई भी ऑक्यूपेशन को जानता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना? ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, ब्रह्मा देवताएं नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता है। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते हैं, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? आत्मा से। आत्मा कहती है, हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वह तो प्रश्न पूछ ना सके। अब बच्चे समझ तो गए हैं, बरोबर दो बाप सबके हैं, ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे, यह शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो यह है जिस्मानी, ब्रह्मा बाप का रथ। दूसरा फिर रूहानी बाप का यह रथ है। उस रूहानी बाप की महिमा है, सुख का सागर, शांति का सागर। पहले तो यह बुद्धि में रहेगा, यह बेहद का बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, निराकार को बुलाते हैं, पतित पावन आओ। आत्मा ही बुलाती है।
जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, पतित हैं तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो, वह पतित पावन बाप इस तन में आया है। यह भूलना नहीं है, हम उनके बने हैं। यह सौभाग्य तो क्या पदम भाग्य की बात है। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? इस समय बाप आए हैं, यह नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वह एक ही बार आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है। तो समझाना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे, यह तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, वहां सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। वही देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवता भी नहीं कह सकते। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली के समझते तो फिर उन्हों की महिमा अपनी निंदा क्यों करते? महिमा जब करते हैं तो जरूर उन्हों को पवित्र, अपने को अपवित्र पतित समझते हैं। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने हैं। तुम स्कूल में पढ़ते हो उसमें नंबर वार फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो होते ही हैं। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है। यह कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है, यह तो साधारण मनुष्य तन है। सो भी बहुत पुराना है, बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ तब इनका नाम होता है, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? मनुष्य मूंजते तो जरूर है ना। बाप ने तुमको समझाया है तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता यह शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है, परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनकी यह रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है, कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। पार्ट हरेक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। ये वंडरफुल बातें समझी जाती हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, अभी चक्कर पूरा होता है, अंत है ना? सब वापस जाएंगे, फिर से चक्कर रिपीट होना है। बाप ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं। कहते हैं कल्प पहले भी समझाया था, बहुत लवली बाप है, ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात है नहीं, अभी तो कितना भेदभाव है। यह राम के भक्त हैं, यह कृष्ण के भक्त हैं। राम के भक्त धूप जगाते तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। ऐसी भी कुछ बातें शास्त्रों में हैं। वह कहे हमारा भगवान बड़ा,
वह कहें हमारा बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। तो रॉन्ग होने कारण सब अनराइटियस काम ही करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी सब वह हैं भक्ति के सागर। ज्ञान से सदगति होती है, अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो, बाप ने तुम्हें अपना और सारे चक्कर का भी परिचय दिया है जो और कोई दे ना सके। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परम पिता अपने को कोई कह न सके, जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं, समझते हैं यह कितना बड़ा ड्रामा है। उनमें सब एक्टर्स अविनाशी पार्ट बजाते हैं, वह छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं, यह है अनादि अविनाशी, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा इतना बड़ा पार्ट मिला हुआ है, शरीर लेने और छोड़ने का और पार्ट बजाने का, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनके और भी फॉलोअर्स होते ना। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का, फॉलोअर तो वह जो पूरा फॉलो करे। इनकी ड्रेस आदि तो वह है नहीं, कौन कहेंगे शिष्य है, यह तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाप को ही फॉलो करना है, जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं। बाबा कहते हैं यह हमारी बारात है, तुम सब भक्तियां हो, मैं हूँ भगवान, तुम सब सजनिया हो, बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर ले जाने। कितनी खुशी होनी चाहिए, अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, तो पवित्र राजाई मिलती है। बाप समझाते हैं मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही हैं पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसलिए महाकाल भी कहते हैं, महाकाल का भी मंदिर होता है, काल के मंदिर तो देखते हैं ना। शिव को काल कहेंगे ना, बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद का बाप कितनी ढेर आत्माओं को लेने लिए आई हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बना कर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाएं तो फिर बाप भी ले चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, फर्क तो रहता है ना। पाप रह जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़े, पद भी ऐसा मिलता है। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना, कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट गोद में उठाकर प्यार करते हैं, वैकुंठ में चले जाते हैं, वहां श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहा है, हम भविष्य में यह बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, वह सब रॉन्ग है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए, शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी रहती है,
भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती। भक्ति वालों को यह थोड़े ही मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है। भेंट करना सखी, तुम बच्चों को पहले यह नशा चढ़ना चाहिए। यह ज्ञान सिवाय बाप के कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। लौकिक गुरु तो किसको भी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता। जो कहे हे आत्माओं बच्चों मैं तुमको समझाता हूँ। बाप को तो बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस है। जानते हैं यह हमारी रचना है। यह बाप भी कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ, तुम सब भाई भाई हो। उनको पार्ट मिला है, कैसे मिला है वह बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिल ना सके। थोड़ी थोड़ी चेंज होती जरूर है। तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं। हर जन्म के फीचर्स एक न मिले दूसरे से, यह भी समझने की बातें हैं। बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे बच्चे, बाप में कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय दो अक्षर है ना, बाप माना बाप। इसमें संशय तो हो ना सके। बच्चा कह ना सके कि मैं बाप को याद कर नहीं सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो, ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो जरूर पवित्र होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से फिर राजाई मिल ना सके, प्रजा में चले जाते हैं, कितना घाटा पड़ जाता है। नंबर वार पद होते हैं ना, एक का पद ना मिले दूसरे से, यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे बाप की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और झाड़ को समझना है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनके साथ बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थुर था वह प्रायलोप हो गया है। बाकी सब धर्मों की टाल टालियां आदि खड़ी हैं। ड्रामानुसार ये सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती। नाटक में एक्टर्स को कभी घृणा आएगी क्या? बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देखते हो उतना और कोई नहीं देखते। तुम हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। भगवान पढ़ाते हैं कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। कोई शरीरधारी तो सिखला ना सके। बाप ने आत्माओं को सिखलाया है, आत्मा ही धारण करती है। बाप एक बार ही आते हैं पार्ट बजाने, आत्मा ही पार्ट बजाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे। वहां तो देवताएं ही पढ़ाएंगे। संगम युग पर बाप ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। यह संगम युग एक ही है,
जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाला, सतयुग की स्थापना करने वाला एक ही सच्चा बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाप व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है। दूसरा, बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इस खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। वरदान, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व एक घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। ओम शांति।